Hello everyone, I am Parveen. I will be discussed in this session present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. इससे पहले हमने present perfect tense और present continuous tense और simple present tense के बारे में बता चुके हैं. तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं. चलिए देखते हैं. इस present perfect continuous tense को हम हिंदी सेंटेंस से बहुत ही अच्छी तरीका से समझ सकते हैं. तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिया है हमने, मैं एक घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं एक घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं दो घंटे से टहल रहा हूँ, मैं वे सुबह से खेल रहे हैं. यहाँ पर जो सेंटेंस के लास्ट में लगे हैं, पढ़ रहा हूँ, टहल रहा हूँ, हैं, खेल रहे हैं, ये चीज हमको क्या बताते हैं? इसके साथ क्या लगा है? एक टाइम भी लगे हैं. एक टाइम लगे हैं क्या? एक घंटे से, दो घंटे से सुबह से. ये हमको टाइम ये बताता है जो कोई काम जो है, जो पहले एक घंटे से, दो घंटे से या सुबह से जो आरंभ हुआ था, वो अभी तक क्या है? जारी है. वो काम क्या है? अभी तक जारी है. तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है. इंग्लिश बनाने में इसका जो स्ट्रक्चर का यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस has या have, subject plus has या have plus been plus before, यानी कि verb का ing form. verb का कौन सा form? ing form. before plus क्या होते हैं? object plus for या since plus क्या होते हैं? time. for या since के बाद जो time लगा होता है उसका हम use करते हैं. ठीक. अब देखिए, इसमें फोर या सिंस जो लगे हैं, या तो इसके दूसरे एक और होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स के यूज किए जाते हैं. किसका यूज किए जाते हैं? एडजेक्टिव के यूज किए जाते हैं. प्लस फोर या सिंस प्लस क्या होते हैं? टाइम के यूज किए जाते हैं. अब यहाँ पे फोर और सिंस जो है, यहाँ पे फोर और सिंस क्या है? एक टाइम इंडिकेट करता रहा, बता रहा है जो कब से, मतलब अब इसमें बता रहे हैं. फोर जो है, फोर को क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में यूज किए जाते हैं. किसका? फोर का. और सिंस का यूज किया जाता है किसमें? पॉइंट ऑफ टाइम में. सिंस के यूज किए जाते हैं किसमें? सिंस के यूज किए जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में यूज किए जाते हैं सिंस का. अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कितने समय से. इसका मतलब क्या होता है? कितने समय से कोई जो काम हो रहा है वह कितने समय से हो रहे हैं. और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होते हैं क्या? कब से. जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, फोर का एग्जांपल दे रहा हूँ. पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का जो बता रहा हूँ एग्जांपल, वो कब से? तीन घंटे से, जैसे दो घंटे से, या छह दिन से, या दो महीने से, या सात साल से, कुछ समय से. इस तरह के यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं. ठीक. पॉइंट ऑफ टाइम में क्या सब आते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं आपको जैसे 3 बजे से, 1990 से, या 2020 से, या सोमवार से, या सुबह से, या जून से, या नाश्ता के समय से. इस तरह की टाइम को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं. ठीक. जैसे यहाँ पे लगा है, हिंदी सेंटेंस भी देखिए आप लोग, मैं एक घंटे से पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे एक घंटे से, यानी कि अब यहाँ पे कौन सी टाइम है? यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया गया है. एक घंटे से, यानी कि कितने समय से? एक घंटे से. तो यहाँ पे इसका इंग्लिश क्या बन जाएंगे? जैसे इसका इंग्लिश बन जाएगा क्या? आई के साथ हैव के यूज किए जाते हैं. फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन के जो प्लुरल होते हैं, थर्ड पर्सन के जो प्लुरल होते हैं, प्लुरल फॉर्म होते हैं, उसके साथ हैव के यूज किए जाते हैं. और थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म जो होते हैं उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं. यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म जो होते हैं, सिंगुलर फॉर्म जो होते हैं, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं. अब देखिए, मैं एक घंटे से पढ़ रहा हूं, इसको हम इंग्लिश में क्या बनाएंगे? आई हैव बीन
आई हैव बीन रीडिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना, इसीलिए इसका हो जाएगा क्या, रीडिंग। यहाँ पे टाइम दिया है एक घंटे से, यानी कि किसका यूज किया जाएंगे यहाँ पे, किस टाइम का है, कौन सी टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे फोर वन या एन, फोर एन आवर के यूज किए जाएंगे। ठीक, इस तरीका से हम क्या बनाएंगे, इस तरह सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सेकंड है, वह दो घंटे से टहल रहा है, वह दो घंटे से टहल रहा है, यहाँ पे दो घंटे से भी क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम ही बता रहे हैं हमको, इसीलिए इसका इंग्लिश बनाया जाएगा ही के साथ हैज का, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए ही के साथ हैज के यूज किए जाएंगे। ही हैज बीन वॉकिंग, यानी कि टहलना क्या होता है, वॉकिंग फोर टू आवर्स। ठीक, अब देखिए थर्ड सेंटेंस है, वे सुबह से खेल रहे हैं, यानी कि सुबह से बता रहे हैं ना, यानी कि कब से, सुबह से में क्या होता है, ये कौन सी टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इसमें सेंटेंस में क्या होंगे, सिंस के यूज किए जाएंगे, यानी कि दे हैव बीन, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस क्या, मॉर्निंग। ठीक, इस तरह से क्या बना देंगे इसको हम, इसमें सिंस मतलब क्या, सुबह से बता रहे हैं, इसीलिए यानी कि यह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे दो घंटे से, एक आवर से, यानी कि एक घंटे से, यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए फोर के यूज किए जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको इस स्ट्रक्चर पे आधार पर जो सेंटेंस दे रहा हूँ उसको कैसे बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव, अब इसको इस तरह के जो सेंटेंस है, इसके एग्जांपल क्या है, देखिए वह चार दिनों से क्या है, बीमार है, वह चार दिनों से बीमार है। इस तरह के सेंटेंस को हम किसमें बनाएंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, ही हैज बीन इल, यहाँ पे बीमार क्या है, इल है, यानी कि बीमार क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि इसका इंग्लिश में लिखा है तो इल, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, क्या है ये, एडजेक्टिव्स हैं, और प्लस क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या दे रहा है, चार दिनों से, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहे हैं, इसीलिए फोर के यूज किए जाएंगे, यानी कि फोर डेज। इस तरह से क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाए जाते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी क्या कम समय में बहुत अच्छे तरीका से समझ सके। थैंक यू वेरी मच।